नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्को लाइट यानी एलईडी फ्लैशिंग लाइट सर्किट बना के दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं कंपोनेंट जो यूज कर रहा हूं, दो इसमें ट्रांजिस्टर हैं BC148 और इसमें दो कैपेसिटर लिए हैं जिसकी वैल्यू हैं 10 माइक्रोफेरड और 63 वोल्ट। चार मेरे पास एलईडीज हैं जिसमें दो रेड कलर की हैं और ये दो ग्रीन कलर की हैं। इसमें आप ज़्यादा एलईडीज भी लगा सकते हो, इसमें मैं बता दूंगा कैसे एलईडी ज़्यादा लगानी है। ये इसमें दो रेजिस्टेंस हमने लिए 100K के और दो रेजिस्टेंस लिए हमने 100 ओम के और एक PCB सर्किट लिया है। इन कंपोनेंट का प्रयोग करके आज हम एलईडी फ्लैशिंग लाइट सर्किट, जिसको हम डिस्को लाइट सर्किट कह सकते हैं, वो बना के देखेंगे। इसके लिए जो मैंने डिज़ाइन किया है, आप देख लीजिए, ये वाला सर्किट मैंने डिज़ाइन इसमें यूज किया है। इसमें मैं एक बार कंपोनेंट की वैल्यूज़ में लिख देता हूँ। इसमें जो ट्रांजिस्टर मैंने यूज किया है वो किया है BC148, जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो भी BC148, दोनों सेम वैल्यू के ट्रांजिस्टर होने चाहिए। LEDs जो मैंने यूज करी हैं, ये दो ग्रीन कलर की LEDs हैं और ये दो रेड कलर की LEDs हैं। आप यहाँ पे दो से ज़्यादा LEDs भी लगा सकते हो। उसके बाद जो कैपेसिटर्स की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे लेनी है 10 माइक्रोफेरड और इसकी वोल्टेज जो है 63 वोल्ट, ये भी सेम वैल्यू का लेना है। और जो रेजिस्टेंस हैं, इसमें जो कलेक्टर्स पे ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिए 100 ओम्स दोनों, और जो बेस पे जो रेजिस्टेंस लिए हैं वो मैंने लिए यहाँ पे 100K, ये भी 100K। और रेजिस्टेंस की जो वाटेज क्षमता जो है मैंने यहाँ पे 0.5 वाट ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 0.25 वाट से भी इसमें काम चल जाता है। और इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पे जो वोल्टेज लेंगे वो लेंगे हम 6 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट, इसके बीच में यहाँ पे वोल्टेज हम लेंगे। और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये वाला। तो एक बार इस सर्किट को हम असेंबल कर लेते हैं PCB पे और उसके बाद देखते हैं कि कैसे वर्किंग करता है। ये कंपोनेंट हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट को टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। सबसे पहले जो हम LEDs को चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए इसको मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पे रख सकते हो या फिर डायोड पे इसको सेट कर सकते हो। ये LEDs हैं, LEDs एक तरफ से काम करती है, वन वे स्विच की तरह काम करती है, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अभी इसमें जो लाल लीड लग रही है वो पॉजिटिव है इसका, ये नेगेटिव है, तो ये इसका हमें ध्यान रखना है विशेष। ये ग्रीन LED हो गई, ये हो गई रेड, कैपेसिटर जो है नहीं है, साधारणतः ख़राब नहीं होते हैं। फिर भी इसको जो टेस्ट करने का जो तरीका है वो, इसमें जब हम मल्टीमीटर से इसको लगाएंगे तो ये कुछ वोल्टेज शो करता है और उसके बाद धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए जो है आप कलर कोडिंग का सहारा भी ले सकते हो या फिर मल्टीमीटर से भी डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो। अब रहेंगे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना थोड़ा अलग में विधि से इसको टेस्ट करेंगे और इसका टेस्ट करना भी इसको थोड़ा अलग तरीका होता है। इसमें दोस्तों तीन लेग होती है ट्रांजिस्टर में, इसमें एक बेस होता है, एक एमिटर होता है, एक कलेक्टर होता है। एमिटर, बेस और कलेक्टर, इसमें एमिटर से जो करंट है फ्लो होती है और बेस से होती हुई कलेक्टर तक पहुँचती है, ठीक है। तो इसको, इसमें तीनों पॉइंट को हमें
सावधानी पूर्वक इसको जांच करना है कौन से इसके पॉइंट हैं और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसको पहली बात इसे चेक करके सर्किट में लगाना है। तो इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैच टू कलेक्टर और बैच टू अमीटर, ठीक है। इसमें एक तरफ लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और जब हम मल्टीमीटर की लीड चेंज करेंगे तो इसमें हाई रेजिस्टेंस में शो होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है अभी इसमें कौन सा बैच है, तो हम इसकी कोई सी भी लेग को एक बार ले लेते हैं, उस पर मल्टीमीटर की कोई सी भी एक बार लीड लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेड लीड लगा दी है ट्रांजिस्टर की एक पिन पे, और दूसरी पिन पे मैं दूसरी लीड को टच करूँगा तो मल्टीमीटर में अभी हाई रेजिस्टेंस शो हो रहा है। और मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी पे सेट करना है सबसे पहले, तो हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। दूसरी लीड पे लगाई तो भी हाई आ रहा है। अब एक बार हम ये लीड जो है ब्लैक, इसको चेंज करके देखेंगे। दूसरी तरफ अगर लो रेजिस्टेंस मिल जाता है तो अपना बेस यही होगा जिस पे ये लग रहा है। और इसमें लो रेजिस्टेंस मिल गया लेकिन इस पे लो रेजिस्टेंस नहीं मिला, यानी कि ये जो बेस है ये नहीं है। तो फिर दूसरी ट्रांजिस्टर की दूसरी हम कोई सी भी लेग पकड़ लेते हैं। जैसे मैं इसमें बीच वाली लेग पकड़ लेता हूँ, एक बार इसमें लगाया तो मुझे हाई रेजिस्टेंस मिला, इसमें लगाया तो भी हाई मिला। यानी कि ट्रांजिस्टर को चेक करने की जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, ये लीड चेंज करेंगे उस कंडीशन में हमें इसके विपरीत रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। यानी इस बार हाई मिल रहा है तो अगली बार हमें लो मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ लगाया तो हमें रेजिस्टेंस मिला 823.24, तो ये लो रेजिस्टेंस हुआ क्योंकि उसमें पिछली बार जो है आउट ऑफ लिमिट आ रहा था वो हाई था, अभी दोनों तरफ लो आ रहा है। यानी कि ट्रांजिस्टर की जो बेस है जिसपे लाल लीड लग रही है वो इसका बेस है, यानी बीच वाला जो इसकी लेग है ट्रांजिस्टर की वो इसका बेस है। अब रहा कलेक्टर और मीटर की पहचान करना, तो इसमें देखेंगे कि जो बाकी की दोनों बची हुई जो लेग्स हैं उसमें जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा लेकिन जिसमें ज़्यादा आता है रहा उस जो लेग हैं उसको हम एमीटर मानेंगे, वो इसका एमीटर कहलाएगा और बाकी जो बचा वो उसका कलेक्टर हो जाएगा। तो एक बार लगा के देखते हैं, 804 दूसरे पे लगाया 809, तो यानी कि जो इधर वाली जो लेग है ये वाली, ये इसका एमीटर पॉइंट हुआ, ये इसका कलेक्टर पॉइंट हुआ, बीच वाला इसका बेस हो गया, ये हमें याद रखना है। तो अपनी कंपोनेंट की टेस्टिंग हो गई। अब एक बार इन सभी सर्किट को हम पीसीबी पे असेंबल कर लेते हैं। जो सर्किट बताया था मैंने उस सर्किट के अनुसार ये सर्किट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले दो ट्रांजिस्टर लगाएंगे पीसीबी पे और उसके कलेक्टर और बेस पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, और दो फिर कैपेसिटर लगाएंगे दोनों ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे, जिसमें कि जो पहला ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर पे जो कैपेसिटर लगाया है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, और दूसरे ट्रांजिस्टर पे जो कलेक्टर पे जो कैपेसिटर लगाया है वो पहले ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। इसमें पोलैरिटी का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, पॉजिटिव सप्लाई में कैपेसिटर का पॉजिटिव ही जुड़ना चाहिए, ठीक है। और एलईडीज में जो एलईडी का जो एनोड पॉइंट है वो कलेक्टर पे जुड़ जाएगा, और जो कैथोड पॉइंट बचा दोनों तरफ के एलईडियों का वो नेगेटिव में जुड़ जाएगा, ग्राउंड में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सर्किट बनाना है। तो एक बार मैं पीसीबी पे सभी कंपोनेंट को असेंबल कर देता हूँ और उनको सोल्ड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कंपोनेंट को इस पीसीबी पे इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं पीछे की साइड से इसको सोल्ड कर दूँगा और उसके बाद में ये एलईडी जो हैं एलईडीज को बाद में मैं यहाँ लगा दूँगा। एलईडीज को हम चाहें तो ग्रीन कलर वाली यहाँ, रेड कलर वाली यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक सीध में भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसे अपन को अच्छा लगे। तो एक बार मैं इन कंपोनेंट को सोल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद जो है एलईडीज को मैं इसके अंदर लगाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे सभी कंपोनेंट को पीछे की साइड देख लीजिए सोल्ड कर दिया।
अब जो इसकी जो एक्स्ट्रा लीड है लंबी, इसको काट देते हैं। दोस्तों वीडियो मैंने स्किप कर दिया था असेंबल करते समय, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अब दोस्तों जैसे मैंने सर्किट बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा सर्किट जो है असेंबल कर दिया, सोल्ड कर दिया और इनके कनेक्शन कर दिए। और ये इस प्रकार से LEDs लगा दी, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह सारे इसमें लगा दिए, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हैं 3 एक्स्ट्रा, कि हमें मान लीजिए वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज इसमें देनी है उसके लिए ये 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं। अगर अधिक वोल्टेज थोड़ा देना है जैसे 8 वोल्ट 9 वोल्ट देना है तो यहाँ पे अपन कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव लाइन, अगर 6 वोल्ट देना है तो यहाँ, और 5 वोल्ट देना है तो इस रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसको मैं एक बार आपको रन करके बता देता हूँ कि कैसे चलता है। दोस्तों ये बैटरी है 9 वोल्ट की, मैं इसमें इसको कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने पॉजिटिव में लगा दिया और ये नेगेटिव जो है वायर था बैटरी के नेगेटिव मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से ये फ्लैशिंग लाइट हमारी तैयार हो गई, इसको हम डिस्को लाइट भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 LEDs यूज करी है, आप चाहो तो यहाँ पे 6 से ज़्यादा LEDs भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी जो है डिस्को लाइट या LED फ्लैशिंग लाइट बना सकते हो। कंपोनेंट भी देख लीजिए आप इसके अंदर कुछ खास कंपोनेंट नहीं है, 2 ट्रांजिस्टर 2 कैपेसिटर और 4 रेजिस्टर हैं।